कुछ अपडेट इसराइल के बारे में देंगे। काफ़ी भाई कमेंट कर रहे थे, काफ़ी भाई कॉल करके पूछ रहे हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे तरफ से कोई एनएडीसी से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और ना ही हम आप लोग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे जो हम कर सकते हैं वो आप लोग भी कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को अपने माध्यम से बताएंगे जो कि आप लोग के लिए बेहद अच्छा होगा। तो अभी अलीगंज में, जैसे पहले लखनऊ अलीगंज में जैसे इंटरव्यू हुआ था एनएचडीसी के माध्यम से, यानी कि एनएचडीसी के माध्यम से, तो उसी तरह से फिर से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और काफ़ी लोग वहां पे जा करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो कि वो चीज़ें आप लोग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे जैसे वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वो लोग रजिस्ट्रेशन करके आपके पास फोन आएगा, वैसे आप भी रजिस्ट्रेशन करके करा करके और करा सकते हैं। उसके बाद आपको फोन आने वाला होगा तो आएगा। अब इसमें काफी भाई ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के कितने दिन बाद फोन आते हैं या कितने दिन के बाद में क्या होते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। हम भी नहीं बता सकते और ना ही कि कोई और कर्मचारी बता सकता है कि आपका कॉल कितने दिन में आएगा। 1 महीने भी हो सकते हैं या 2 महीने भी हो सकते हैं या 6 महीने भी हो सकते हैं। अब रह गया सवाल कि काफी भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि वहां पे क्या क्या टेस्ट चल रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि इसराइल के लिए या यूरोप कंट्री के लिए लगभग लगभग 50%, 60%, 90% इंग्लिश की खोज कर रही है, ठीक है। कोई भी कंपनी ये सोच रही है कि यहाँ पे आए अगर बंदा कोई तो उसको दिक्कत ना हो हमसे बात करने के लिए या कंपनी में बात करने के लिए या किसी चीज को इंग्लिश में बोलने और बात करने के लिए। इसलिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद फोन आएगा तो वहां पे आप जाएंगे तो आपके पास टेस्ट होगा, ठीक है। और ये टेस्ट किसी भी माध्यम से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को तो ये चीजें पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि मान के चलिए किसी भी माध्यम से हो सकता है। जैसे किसी जानवर का नाम आपको इंग्लिश में बताना है या किसी रास्ते को लेफ्ट राइट रास्ता बताना है या किसी एरो को बताना है, जैसे एग्जाम्पल में कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। सब्जी का नाम बहुत सारा है उसका इंग्लिश में बताना है या किसी पर्सन को बताने हैं या रिलेटिव को बताने हैं, जैसे कि आपका टेस्ट इंग्लिश में जाना जा सके कि आपको इंग्लिश आता है या कितना परसेंट आता है, ये चीजें हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि कोई भी भाई अगर इसराइल जाने के इच्छुक हैं और जाना चाह रहे हैं, वो भाई कोई भी किसी भी माध्यम से हो, कितना हो भी उम्र के हो, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, आप लगभग लगभग अपने गांव के लोगों के लिए, गांव के लोगों के कुछ नाम, अपने घर के परिवार के लोगों के लिए कुछ नाम, पक्षियों के सभी जो भी पक्षी हैं पशु पक्षी उनका इंग्लिश में नाम सीखिए, ठीक है। लगभग इतना जान लीजिए कि कहीं से भी और कोई पूछे तो आपको इंग्लिश में जवाब देने में दिक्कत ना हो, ये सभी चीजें आप सीख लीजिए। कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब से सीखिए या किसी से पढ़वा लीजिए, या अगर किसी से पढ़वाने में दिक्कत होता है, आपको शर्म आती है, तो आप डायरेक्ट गूगल से पढ़िए या किताब अपने खुद से पढ़ लीजिए या मोबाइल देखते हैं तो कान में एयरफोन लगा के सीख लीजिए। कहीं से भी आपको इंग्लिश सीखना है। दूसरी बार बात करें कि इसमें क्या क्या रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लग रहे हैं, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, बायोडाटा है, पासपोर्ट कॉपी है, फोटो कॉपी है, व्हाइट बैकग्राउंड में बगैर वाटर बॉर्डर का, बगैर ब्लैक बॉर्डर का जो फोटो है वो लगता है। आप किसी जनसेवा केंद्र में जा करके बोलिए कि हमें इसराइल के लिए रजिस्ट्रेशन करने हैं तो 150 लेकर के रजिस्ट्रेशन कर देंगे, या आप हो सकता है तो आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। एनएचडीसी के वेबसाइट पे जा करके रजिस्ट्रेशन करने हैं, सभी फॉर्म को उसमें डालने हैं। बाकी आप लोगों को मैंने बहुत सारे पहले बताया भी था, तो ये सभी चीज़ें फंडे हैं। और आप इतने दूर जाने के बजाय, इतने धूप में भरने के बजाय, इतने लाइन में लगने के बजाय, आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वही काम होगा, जो लोग वहाँ पे करेंगे वही काम यहाँ पर भी होगा। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि आप सिविल लाइन से जा रहे हैं, वैसे तो कंस्ट्रक्शन लाइन की ही अभी रिक्वायरमेंट है, सेटरिंग कारपेंटर मेसन जैसे 4-5 ट्रेडें थी जो बिल्डिंग लाइन से संबंधित हैं,
तो अगर आप शटरिंग कारपेंटर हैं तो शटरिंग के काम के सामान को इंग्लिश में पूछा जाएगा, ठीक है, कि इंग्लिश में हथौड़ा को क्या बोला जाता है, या कहीं भी आपको भेज करके मान के चलिए आपको स्लैब के काम को करने हैं तो स्लैब के काम के बारे में कितना परसेंट आपको इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है, सरिया को क्या बोला जाता है, स्टील को क्या बोला, स्टील मतलब क्या होते हैं, ठीक है, मीटर के बारे में पूछेंगे, एमएम के बारे में पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट उसमें इंग्लिश का शब्द प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, उसी चीज को आपको सीखना है, ठीक है। तो ये चीजें टेस्ट में पूछे जाएंगे और टेस्ट में अगर आप फेल भी होते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी सैलरी कम हो सकती है, नहीं तो हेल्पर में आपको भेजा जा सकता है। दूसरी चीज, कोई हेल्पर में ना जाए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि हेल्पर में जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हेल्पर में जाने पे कोई भी काम कहीं पर भी कुछ भी कराएंगे लो, ये इसमें आपका प्रॉब्लम है। दूसरी चीज है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है उम्र के बारे में, ठीक है, आपकी जो एज है, आपकी उम्र जो है वो कम से कम 24 साल से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि मान के चलिए 25 साल से लेकर के 43 साल 44 साल तक होनी चाहिए, 44 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिसे आपको अप्लाई करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना, 24 साल से लेकर के 44 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यही अगर आप इतना ही दूर में अगर आपका है, इसमें एक रेट है कि आपका इतना से इतना तक हो जाएगा, पहले 23 साल से था लेकिन इस बार 24 साल का रिक्वायरमेंट आया है, वैसे 23 साल का भी आप आदमी अप्लाई इसमें कर सकते हैं लेकिन किसी और कंपनी में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट ऑफिस से, बाकी जिसमें जो इसमें है तो इसमें 24 साल से लेकर के 45 साल तक आदमी जमा ये अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जरूरी चीज़ें थी, मैंने काफ़ी भाई परेशान हो रहे थे तो मैंने बताने की कोशिश की। वैसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं और रिजल्ट का कोई काम हम लोग नहीं करते, और किसी का अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे भी तो ये चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, तो हमारे पास भेजने की कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही इजाइल के लिए हमें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत है, ना ही हम लोग इजाइल के लिए कोई काम कर रहे हैं, बस मदद के लिए, आप लोग के हेल्प के लिए। मैंने बताया कि चलिए इतने लोग फ़ोन कर रहे हैं और इतने कोई बहुत सारे लोग परेशान जो हैं वो डायरेक्ट जा कर के लखनऊ परेशान होंगे, तो उससे अच्छा है कि किसी जनसेवा केंद्र में वो अपना अप्लाई करा लेंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी परेशान ना हो। और इजराइल के लिए काफ़ी भाई इच्छुक है जाने के लिए, क्योंकि पैसे कम लगते हैं और वहाँ पे सैलरी अच्छा मिलते हैं, लेकिन इसके आगे पीछे का कोई परेशानी है या अगर कोई दिक्कत है उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आगे पीछे का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखें और देख समझ के काम करें। बाकी आप लोग के ऊपर हैं, आप लोग खुश हैं, आप लोग बढ़िया हैं, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोग अपने लिए बेहतर भी सोचिए जिससे कि अच्छा हो, ठीक है। कभी ये ना हो कि आप लोग इजराइल जा रहे हैं और वहाँ पे दिक्कतें आ जाएं, डेंजरस एरिया है इसकी वजह से। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग के बेहतर लाइफ के लिए, बेहतर तरीके के लिए कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्लाई कीजिए आप लोग, मोस्ट वेलकम, और हैप्पी जर्नी आप लोगों का। जो भी जाइए अच्छे से काम कीजिए, और जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका 100% कॉल आएगा, अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे और अच्छे से रजिस्ट्रेशन आपका अगर रहता है तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।